हेलो गाइज क्या हाल चाल आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे तो ये है अपने टी वी एस जुपीटर ठीक है तो आज हम इसमें जो है इंस्टॉल करने वाले हैं ये न्यू ऑन लाइट जो कि ब्लू कलर की हमने जो है पहले इसमें जो है ये पिंक कलर की आप देख सकते हो तो इंस्टॉल कर रखी है लेकिन ये मैं आपको जला के दिखाता हूँ ये सिर्फ ऐसे ही चलती है ठीक है तो अब हम जो ये ब्लू कलर की इंस्टॉल कर रहे हैं वो जब ये इंडिकेटर ब्लिंक करेगा तो ये साइड में भी ऐसे ब्लिंक करेगी ठीक है तो सारा प्रोसेस आपको बताएंगे सबसे पहले जो है ये दो नट है जो आपको खोल लेना है उसके बाद एक नट यहाँ पर है और एक नट यहाँ पर है सेम दूसरी साइड आपको ये नट खोल देना है और ये पैनल हमारा बाहर आ जाएगा अभी आप देख सकते हो हमारा पैनल जो है वो खुल चुका है तो ये हमारे पैनल का बैक साइड है ठीक है तो ये आप देख सकते हो ये वायर है जो हमने पहले वाला लाइट इंस्टॉल की थी और ये हमारे इंडिकेटर के कपलर हैं ठीक है थीके? तो इंडिकेटर खोलने के लिए आप सबसे पहले एक यहाँ पर होगा बोल्ट एक यहाँ पर सेम दूसरी साइड एक यहाँ पे और एक यहाँ पे तो सबसे पहले आपको ये बोल्ट खोल लेना है और ये जो हमारे इंडिकेटर जो बाहर आ जाएंगे मैं आपको करके बताता हूँ अभी जो मैंने स्क्रू खोल दिए हैं तो अब आप देख सकते हो ये जो है ऐसे बाहर आ जाएंगे हमारे इंडिकेटर्स ठीक है तो मैं जो है इनको कर देता हूँ साइड और आपको बता देता हूँ फ्रंट साइड ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने जो है साइड साइड से जो है कट कर दिया है ठीक है इतना इतना जो पार्ट होता है हमारा आप अपने हिसाब से कट कट कर सकते हो आपको अगर यहाँ से लगानी है यहाँ तक तो आपको इतना कट कर लेना है ठीक है मैं वैसे लगाने को तो इनके अंदर भी लगा सकता था बट जो है मेरे को जो बार, बार बार जो है चेंज करनी पड़ती है क्योंकि अलग अलग करना चेंज करना हो तो बार बार जो है उसको खोलेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा उसका शीशा तो इसलिए मैं जो है मैं ऐसे लगा रहा हूँ ठीक है अगर आपको बार बार चेंज भी करनी है तो आप यहीं से कर सकते हो ऐसे यहाँ से करके ठीक है ये अपनी अब नी लाइट तो सबसे पहले आपको जो है ये कट कर लेनी है कट करने के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ ये ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो है हमारी ब्लैक लाइन बनी हुई है आपको जितना भी पीस का चाहिए तो आप अपने हिसाब से कट कर सकते हो इसे ठीक है तो मैं जो हूँ पहले इसका साइज़ ले लेता हूँ उसके बाद जो है इसे कट कर लेता हूँ ठीक है अब आप देख सकते हो मैंने जो है इसे जो है इस अब यहाँ पर इस साइज़ के हिसाब से कट कर लिया तो मैं बताता हूँ आपको आगे करना क्या है आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे जो आपको जो अंदर जो ऐसे दो है दो थिम्बल मिल रहे होंगे आपको जो है यहाँ से इतना सा आपको यहाँ पे कट कर लेना है कट लगा देना है मतलब कट नहीं करना आप यहाँ से इतना सा कट लगा दो और यहाँ से इतना सा ठीक है ये जो आपको जैसे पीछे की तरफ जो है आप खुल जाएगा उसके बाद जो है आपको यहाँ पर शोल्ड करनी है ठीक है उसमें से जो है आप यहाँ पर देख सकते हो कोई इसमें प्लस और माइनस का ध्यान रखना है ठीक है तो जब आप इस नियॉन लाइट को लाओगे तो आपको एक बार जला के चेक कर लेना है उसमें जो है एक तरफ ब्लैक वायर और एक तरफ रेड वायर होगी आप उससे भी चेक कर सकते हो ठीक है नहीं तो आप यहाँ पे आगे जैसे यहाँ पे लिखा भी होता है कई लाइटों में जैसे कि इस तरफ नेगेटिव है या इस तरफ पॉजिटिव है या इस तरफ नेगेटिव है इस तरफ पॉजिटिव है ठीक है नेक्स्ट लाइटों में इस तरफ पॉजिटिव होता है जो आप ये ब्लू कलर देख रहे हो इस तरफ इस तरफ पॉजिटिव होता है राइट साइड में मतलब और इस तरफ नेगेटिव होता है तो इसमें भी राइट साइड में पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव है ठीक है तो मैं यहाँ पे जो है शोल्ड्रिंग कर देता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो है यहाँ से कट कर लिया है ठीक है मैं वो क्लियर कर देता हूँ ठीक है तो अब यहाँ पे जो है मैं जो है ये दो बार से यहाँ पर शोल्ड्रिंग कर देनी है ठीक है सेम दूसरी साइड और आपको जो है इतना सा टुकड़ा करना है ज़्यादा नहीं इतना सा टुकड़ा आपको जो है सोल्डरिंग कर लेना है तो भाई अभी आप यहाँ पे देख सकते हो या फिर मैंने जो है शोल्ड्रिंक जो है कर दी है ठीक है तो अब हम इनको फिक्स कर देते हैं सबसे पहले जो है फ़िक्स करने से पहले मैं आपको बता दूँ या तो आप यहाँ पे जो है कुछ ग्लू स्टिक है तो आप वो ग्लू भी यहाँ पे लगा सकते हो या आपके पास टेप आप टेप यूज़ कर सकते हो मेरे पास ग्लू स्टिक नहीं है तो मैं यहाँ पे टेप यूज़ कर रहा हूँ ठीक है प्लीज़ अभी आप देख सकते हो अभी मैंने इसे पैक कर दिया है और ये वायर जो है हमारी नीओन लाइट की यहाँ पे आई है ठीक है और बाहर से जो है ऐसी कुछ आपको लुकारी है इसकी तो मैं आपको जला के भी दिखाऊंगा बाहर ठीक है तो अभी मैं जो आपको कनेक्शन समझा देता हूँ ठीक है तो आप यहाँ पे देख रहे हो अब यहाँ पे तो ये जो हमारी नेगेटिव है और ये हमारी पॉजिटिव है ठीक है आप चाहे तो यहाँ से कट करके भी है, मतलब हल्का सा छील के भी कर सकते हो या फिर आप जो यहाँ पे इस प्लग का जो दूसरा हिस्सा है उसमें जो है डाल के आप ऐसे भी कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ नहीं करूँगा मैं जो है यहाँ से इसकी इंसुलेशन उतार के हल्का सा कट करके और फिर दूंगा बिकॉज़ यहाँ पर हम जब बिलगाते हैं लग तो हो जाता है लेकिन जो है वो फिक्स नहीं रहता बार बार हिलता रहता है ठीक है तो यहाँ पर जो मैं हल्का सा छील के इसको यहाँ पे आता तो शोल्ड्रिंक कर दूंगा या फिर टेप लगा दूंगा ठीक है तो दूसरे साइड की वायरिंग भी ऐसे ही होगी तो भाई तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो है ये यहाँ पर शोल्ड्रिंक कर दी है ठीक है और इस तरह मैंने शोल्ड्रिंग करके जो है मैं इस पर जो है टेपिंग कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ तो वैसा आप देख सकते हो मैंने जो है टेपिंग जो है कर दी है और पूरी परफेक्ट तरीके से हो गई है तो अब मैं आपको ऐसे जला के दिखाता हूँ आप देख सकते हो तो अभी हमने जो है पैक कर दिया है वही ऐसे प्रोसेस है जैसे आप ओपन करते हो वैसे आपको ए, लगा देना है तो अभी मैं आपको जो है ऑन करके दिखाता हूँ ठीक है तो कुछ ऐसी लुक आ रही है तो जैसे हम फ्लैशर के मोड चेंज करते हैं उस हिसाब से ब्लिंक करता है जैसे आप जो फ्लैशर बंद कर दोगे आप नॉर्मल इंडिकेटर दोगे से ऊपर से तो उस इंडिकेटर ठीक है इसी के साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट मॉडिफिकेशन वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच